नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। सांप के काटने से दरगाह के सज्जादे की मौत। फरीदपुर तहसील के ग्राम डकनी में प्रसिद्ध दरगाह दूधाधारी पंजाबी शाह बाबा के सज्जादा नसी फरमूद अली मलंग शाह बाबा का बीती रात सांप के काट लिया, जिसके बाद हालात खराब हो गई। उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया। अस्पताल के डॉक्टर टीम ने बाबा को देखकर मृत घोषित कर दिया। बाबा की उम्र करीब 55 वर्ष थी। बाबा के इंतकाल पर उनके मुरीदों में शोक की लहर दौड़ गई है। अपने पीर का आखिरी दीदार करने के लिए दूर दराज से लोग काफी संख्या में दरगाह पर पहुंच रहे हैं। बाबा फरमूद अली एक लंबे समय से डकनी मजार पर दरगाह की देखभाल करते रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में दरगाह पर उनके मुरीद पहुंचते हैं। फिलहाल तो खबर लिए जाने तक पता नहीं हो सका है कि बाबा को सुपुर्द खाक किस स्थान पर किया जाएगा। बाबा की भी कई करामात रही हैं, जिन लोगों को आज भी याद करते हैं। बाबा की आखिरी दीदार के लिए काफी लोग दूर शहरों से भी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है महमूद अली शाह मलंग बाबा फरमूद ने बताया। क्या यहाँ पर हुआ है, किस तरीके से बाबा को किसी चीज़ ने काटा है? जी, बाबा साहब जो है रात में जो है खाना खा के और लेटे हुए थे, और रात को जो है 3 बजे अचानक जो है मुझे याद किया 20 मिनट के बाद में। तो मैं 3:20 पर आया, और आने के बाद में जो है बाबा साहब ने बताया कि मेरे हाथ में जो है चूहे ने खा लिया है। तो मैंने बाबा साहब से कहा भी, मैंने बाबा साहब जो है हो सकता है सांप वगैरह खा लिया। बोले नहीं, चूहे ने ही खाया है। तो मैं चलो ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो बरेली चलते हैं। बोले भी रुको अभी। फिर ज़्यादा जो है उनकी ज़बान थोड़ी लड़खड़ाने लगी। तो उसके बाद जो है मैंने तुरंत जो है गाड़ी वाले एहसान भाई को फ़ोन करा। एहसान भाई ने फोन जो है गाड़ी की व्यवस्था करी, और हम लोग वहाँ सीधे अस्पताल चले गए। यहाँ पर जाने से पहले एक उल्टी हुई, बीच में बरेली और फरीदपुर के बीच में एक उल्टी हुई, और फेज हॉस्पिटल में पहुँचे तो उल्टी हुई। और जैसे फेज हॉस्पिटल में पहुँचे अंदर तो ICU में पहुँचाए, तो वहाँ के डॉक्टर बोले कि आप मेडिसिन सिटी गए। तो वहाँ हम जो है वहाँ पर लेकर आए। फिर वहाँ से फिर डॉक्टर की टीम आई नीचे। आने के बाद फिर बाबा साहब ने बताया कि अब यहाँ पर किस तरीके से हकीम वगैरह जो इलाज कर रहे हैं, अब तक क्या लग रहा है आपको? डॉक्टरों ने तो ये बता दिया था कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो हकीम हैं, वैद हैं, वो लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह कुछ स्थिति थी, अभी कुछ उम्मीद की किरण जग रही है 1%, ठीक है। और बाकी आप लोग समान दुआएं करेंगे तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। लगभग हकीम जी यहाँ पर जो आए हुए हैं, हकीम जो इलाज कर रहे हैं, कितनी देर से इलाज कर रहे हैं बाबा? वो करीब करीब जो है 2 घंटे से कर रहे हैं। बरेली से अब्दुल शर्मा की रिपोर्ट।